नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट का चैप्टर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इन केसेस वेयर द ऑडिट सैंपल सिलेक्शन हैज बीन डन ऑन द रैंडम बेसिस, नो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल नीड टू बी फॉलोड। जब रैंडम बेसिस पे सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं तो कोई भी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता। कमेंट करो इस पे। सिलेक्शन ऑफ द ऑडिट सैंपल। ऑडिट सैंपल मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम विद इन एन अकाउंट बैलेंस। ऑडिट सैंपल में बेसिकली ऑडिट सैम्पलिंग होता क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर लगाना 100% से कम आइटम्स पर अकाउंट बैलेंसेज में और क्लासेज ऑफ द ट्रांजेक्शन में, टू एनेबल द ऑडिटर टू ऑब्टेन द एंड एवेलुएट द ऑडिट एविडेंस और द सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम सिलेक्टेड। बेसिकली ऑब्टेन करने के लिए या इवेलुएट करने के लिए ऑडिट एविडेंसेस कुछ करेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग ऑफ द आइटम सिलेक्टेड इन ऑर्डर टू फॉर्म और असिस्ट इन फॉर्म में कंक्लूजन, और एक कंक्लूजन निकालने के लिए किसी भी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, तो उसको बेसिकली आप सैम्पलिंग बोल सकते हो। लाइक हम लेस देन 100% पॉपुलेशन है उस पर कुछ प्रोसीजर लगाते हैं जिसके बेसिस पर हम सैंपल्स निकालते हैं, सैंपल्स के बेसिस पर हम आगे कंक्लूजन देते हैं। द ऑडिट सैंपल कलेक्शन ऑन द रैंडम बेसिस एंश्योर डेट ऑल द आइटम इन द पॉपुलेशन हैव द इक्वल चांस ऑफ द सिलेक्शन। रैंडम बेसिस में बेसिकली ये होता है कि सारे आइटम्स हैं उनको इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का। फॉर एग्जाम्पल बाई यूज़ ऑफ द रैंडम नंबर टेबल्स। रैंडम नंबर टेबल्स लाइक हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास 100 आइटम पड़े हुए हैं, उसमें से हमने बोला कि मेरे को 20 नंबर की, 25 नंबर की, 50 और 54 नंबर की आइटम निकालनी है। तो इसका मतलब 100 के आइटम 100 आइटम में से हमने कौन से भी निकाल लिए तो उसको रैंडम नंबर बोल सकते हैं। दिस मेथड इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मेथड है प्रोवाइडेड द पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड कंसिस्ट ऑफ द रीजनेबली सिमिलर यूनिट्स एंड फॉल विद इन द रीजनेबल रेंज। तो ये मेथड काफ़ी अप्रोप्रिएट होता है, पॉपुलेशन को सैम्पल प्रोवाइड करता है रीजनेबल बेसिस पे जो रीजनेबल रेंज में फॉलो हो रहे हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन केस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ एन ऑडिट सैम्पल ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम नंबर टेबल देर इज नो नीड टू फॉलो एनी अदर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल। बेसिकली इस केस में क्या होता है कि आपको सिलेक्शन ऑफ द ऑडिट सैम्पल करते हुए आपको कोई भी रैंडम नंबर या रैंडम टेबल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बेसिकली ना कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को फॉलो करते हो, बस आप रैंडम नंबर के बेसिस पर सिलेक्शन कर लेते हो। सिलेक्शन ऑफ एन ऑडिट सैम्पल ऑन द रैंडम बेसिस इज अ प्रीक्विस्ट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो बेसिकली एक फ़ायदा होता है आपके लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक में कि आप रैंडम नंबर के बेसिस पे सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो। सर्टेन मेथड्स सच एज हैपसार्ड सैम्पलिंग एंड द ब्लॉक सैम्पलिंग में रिजल्ट इज अ सिलेक्शन ऑफ सैंपल। हैपसार्ड मेथड्स के थ्रू या ब्लॉक्स के थ्रू हम लोग इसमें सैंपल्स निकालते हैं। वेन एवर ऑडिट सैंपल सिलेक्शन हैज बीन डन ऑन द रैंडम बेसिस सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंट सैंपल नो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल नीड टू बी फॉलोड। बेसिकली आप सैम्पलिंग बेसिस में क्या है कि आपने कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट किया, कोई भी प्रोसेस नहीं लगाया, बस कोई भी नंबर उठा लिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सैम्पलिंग, ऑल्सो डिस्कस द मेथड ऑफ सैम्पलिंग, एक्सप्लेन द लाइट ऑफ द एसे 530। ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट। रेलेवेंस सच एज ऑल द सैम्पलिंग यूनिट हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद द रीजनेबल बेसिस ऑन मिस टू ड्रॉ द कंक्लूजन ऑफ द पॉपुलेशन। ऑडिट सैम्पलिंग बेसिकली क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू द लेस देन 100%, मतलब पूरी की पूरी जितने पास आपके पॉपुलेशन पड़ी है उसे पूरे पे सैंपल नहीं लगाएंगे, मतलब उस पूरी को चेक नहीं करेंगे हम, उसमें से कुछ पे हम अपनी सैम्पलिंग ऑडिट टेक्निक्स लगाएंगे। लाइक हमने 100 में से 10 आइटम निकाल लिए और 10 पे हमने ऑडिट टेक्निक लगाई। जो सारी सैम्पलिंग यूनिट हैं उनके पास चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने के, हम कोई भी रैंडम नंबर उठा लेते हैं रीजनेबल बेसिस पे और जिनके बेसिस पे हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं एंटायर पॉपुलेशन को के लिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर व्हेन यूजिंग द ऑडिट सैम्पलिंग इज प्रोवाइड द रीजनेबल बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ड्रॉ द कंक्लूजन। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का, कि वो रीजनेबल बेसिस पे कंक्लूजन प्रोवाइड करे पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जिसमें से सैंपल सेलेक्ट किया गया है। देर आर द मैनी मेथड ऑफ सेलेक्टिंग द सैम्पल। कुछ मेथड्स हैं सैम्पल को सिलेक्ट करने के लिए। रैंडम सिलेक्शन। दिस मेथड इज़ अप्लाइड थ्रू द रैंडम नंबर जनरेटर। ये मेथड अप्लाई किया जाता है रैंडम नंबर जनरेटर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल रैंडम नंबर टेबल्स, लाइक कोई भी हमने टेबल उठाई उसके बेसिस पे हम अपना जो मेथड है वो लगा रहे हैं।
स्टेरिफाइड सैम्पलिंग इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ रैंडम नंबर सैम्पलिंग. स्टेरिफाइड सैम्पलिंग इसका एक मेथड है रैंडम सैम्पलिंग का. दिस मेथड इन्वॉल्व द डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड इन द फ्यू ग्रुप लाइक द स्टेरा एंड टेकिंग अ सैम्पल ईच ऑफ द देम. ये मेथड क्या करता है, बेसिकली आपके पास 100 पॉपुलेशन थी, 100 आइटम थी, 100 को इसने 10-10 के ग्रुप में बांट दिए. तो एक ग्रुप को क्या बोलता है, स्टेरा बोलता है. और उस 10 के एक ग्रुप में से कोई एक भी एक ही नंबर उठा लेगा, मतलब 10 ग्रुप हैं, 10ों में से एक एक नंबर उठा लिया, तो 10 सैंपल उसके पास आ गए. इस स्टेटम इज ट्रीटेड एज इट वर ए सेपरेट पॉपुलेशन एंड इफ द प्रोपोर्शनेट आइटम आर सेलेक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द स्टेटम. तो हर स्टेटम क्या है, एक अलग पॉपुलेशन, और उसमें से एक प्रोपोर्शनेट आइटम को सिलेक्ट किया जाता है. द ग्रुप इन टू विच द होल पॉपुलेशन डिवाइडेड डिटरमाइन बाय द वेटर ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट. जो वो ग्रुप उसने सेलेक्ट किए हैं ऑडिटर ने, वो बेसिकली जजमेंट के बेसिस पे होते हैं. लाइक एंटायर एक्सपेंस है, उनका एक वाउचर बना दिया, मतलब वो सारे एक जगह डाल दिए. एंटायर रेवेन्यू है वो सारे एक जगह डाल दी, जो पेटी कैश था वो एक जगह डाल दिया. ऐसे बेसिकली कैसे डाला है, वाउचर अबाउ द 1 लाख, 1 लाख से ऊपर के वाउचर एक जगह उसने एक ग्रुप बना लिया. 25,000 से 1 लाख के वाउचर्स का एक ग्रुप बना लिया, 25,000 से कम के वाउचर्स का एक ग्रुप बना लिया. जो ऑडिटर है वो चेक करता है सारे वाउचर्स को, 1 लाख से ऊपर 50% वाउचर चेक करता है 25,000 से 1 लाख के बीच वाले, और 25% करता है 25,000 से कम वाले. रीज़न बिहाइंड द स्टेरिफाइड सैम्पलिंग इज डेट फॉर द हाईली डाइवर्सड पॉपुलेशन वेट शुड बी एलोकेटेड टू रिफ्लेक्ट दीज डिफरेंसेस. सो रीज़न क्या होता है स्टेरिफाइड सैम्पलिंग के बीच में, जो हाईली डाइवर्सड पॉपुलेशन होती है वो वेट को एलोकेट करती है इन डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए. दिस इज अचीव बाई सेलेक्टिंग द डिफरेंट प्रोपोर्शन फ्रॉम द स्टेरा. तो ये बेसिकली अचीव होता है अलग अलग पॉपुलेशन सेलेक्ट करने के बाद हर एक स्टेटा से. और इट कैन बी सीन दैट द स्टेरिफाइड सैम्पलिंग इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ द रैंडम सैम्पलिंग. जो स्टेरिफाइड सैम्पलिंग क्या है, एक्सटेंशन है किसकी, रैंडम सैम्पलिंग की. सिस्टमेटिक सिलेक्शन क्या है, इन दिस मेथड द नंबर ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द सैम्पल साइज टू गिव अ सैम्पलिंग इंटरवल. इस में क्या होता है, जो सैम्पलिंग यूनिट है पॉपुलेशन की वो डिवाइडेड कर दिया जाता है सैम्पल साइज से एक सैम्पलिंग इंटरवल देने के लिए. एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो 50 है, तो बेसिकली इसका स्टार्टिंग पॉइंट है मैंने फर्स्ट 50 से स्टार्ट किया और ईच 50 सैम्पलिंग यूनिट इज सिलेक्टेड. मतलब मैंने क्या किया कि 50-50 के उसको नंबर्स में बांट दिया और हर एक 50 वाले यूनिट को मैं उठा रहा हूँ. तो इसको स्टेटम बोल सकते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग सिलेक्शन ये बोल सकते हैं. तो 50 सैम्पलिंग यूनिट देयर आफ्टर इज सिलेक्टेड. ऑल्दो स्टार्टिंग पॉइंट मे बी डिटरमाइंड हैप हैज़ार्डली, द सैम्पल इज मोर लाइकली टू बी ट्रूली रैंडम इफ इट इज डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ द कंप्यूटराइज रैंडम नंबर जनरेटर. जो सैम्पल है आपका काफ़ी रैंडम होगा अगर वो डिटरमाइन किया जाएगा कंप्यूटराइज रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा और रैंडम नंबर टेबल के द्वारा. और जो सिस्टमेटिक सिलेक्शन होता है मेरा, व्हेन यूजिंग द सिस्टमेटिक सिलेक्शन ऑडिटर वुड नीड टू डिटरमाइन दैट सैम्पलिंग यूनिट विद इन द पॉपुलेशन आर नो स्ट्रक्चर इन सच ए वे. तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के टाइम पे जो ऑडिटर है वो ये डिटरमाइन करता है जो सैम्पलिंग यूनिट है आपकी पॉपुलेशन के अंदर वो स्ट्रक्चर्ड वे में होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर वे में हो और सैम्पलिंग यूनिट है आपकी वो पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से फॉलो करें. मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, दिस मेथड इज अ टाइप ऑफ द वैल्यूएटेड सिलेक्शन इन विच सैम्पल वाइज सैम्पल साइज सिलेक्शन इवेल्यूएशन रिजल्ट इन द कंक्लूजन मॉनिटरी अमाउंट. इसमें आपका सैम्पल साइज होता है सिलेक्शन और इवेल्यूएशन रिजल्ट किस चीज़ में होता है, मॉनिटरी अमाउंट में होता है सारा. हैफ़ज़ार्ड सिलेक्शन, इन दिस मेथड ऑडिटर सिलेक्ट द सैम्पल विदाउट फॉलोइंग ए स्ट्रक्चर टेक्निक. बेसिकली ऑडिटर एक सैम्पल सेलेक्ट कर लेता है, कोई स्ट्रक्चर टेक्निक फॉलो नहीं करता. नो स्ट्रक्चर टेक्निक्स आर यूज, कोई भी स्ट्रक्चर टेक्निक से फॉलो नहीं की जाती. द ऑडिटर वुड ना अवॉइड एनी कंक्लूजिंग बायस ऑफ द प्रोडक्टिविटी. इसमें ऑडिटर बेसिकली अवॉइड करता है कोई भी प्रोडक्टिविटी हुई है या बायसनेस हुई है उसको. और इसमें वो ये एश्योर करता है कि जो सारी आइटम है पॉपुलेशन के अंदर उनको चांस ऑफ द सिलेक्शन मिले. और हैफ़ज़ार्ड सिलेक्शन है, अप्रोप्रिएट नहीं है जब हम स्टेटिस्टिकल प्लानिंग यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे. ब्लॉक सिलेक्शन, दिस मेथड्स इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ द ब्लॉक
ऑफ द कोटिजियस आइटम विद इन द पॉपुलेशन। तो इस ब्लॉक सिलेक्शन में क्या होता है, बेसिकली कोटिजियस आइटम्स को सिलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन के अंदर। जो ब्लॉक सिलेक्शन है कैन नॉट ऑर्डिनरली बी यूज इन द ऑडिट सैम्पलिंग बिकॉज मोस्ट पॉपुलेशन स्ट्रक्चर आइटम एंड सीक्वेंस कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव सिमिलर करेक्टर ईच अदर। तो आइटम्स को बेसिकली उसने ब्लॉक्स में बांट दिया और उसके बेसिस पे उसको सिलेक्ट किया जा रहा है। ब्लॉक सेंटर सिलेक्शन कैन नॉट बी ऑर्डिनरी यूज इन द ऑडिट सैम्पलिंग। बेसिकली ऑर्डिनरी ये ऑडिट सैम्पलिंग में यूज़ किया नहीं जाता। मोस्ट पॉपुलेशन आर स्ट्रक्चर एंड आइटम इन द सीक्वेंस कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स बिकॉज जो उसकी आइटम्स होती है काफ़ी सारी सीक्वेंस में होती हैं और उनकी काफ़ी सारे सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होती है एक अदर से, तो इसलिए हम ब्लॉक नहीं बना सकते दूसरे का। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग ऑडिट नोटबुक और द कंटिन्यूस एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ऑडिट। ऑडिट नोटबुक एन ऑडिट नोटबुक बुक इज यूजली ए बाउंड बुक इन विच ए लार्ज वराइटी ऑफ द मैटर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आर रिकॉर्डेड। जो ऑडिट नोटबुक है बेसिकली एक बाउंड बुक होती है जिसमें हमारे लार्ज वराइटी ऑफ द मैटर डाले जाते हैं जो हमने ऑडिट के दौरान ऑब्जर्व किए हैं। जो ऑडिट नोटबुक है बेसिकली आपके वर्किंग पेपर का पार्ट है और हर साल एक फ्रेश ऑडिट नोटबुक आपकी बनाई जाती है। इन केस एन ऑडिटर क्लासीफाइज वर्किंग पेपर इंटू अ परमानेंट एंड द करंट। जब भी ऑडिटर अपने पेपर्स को क्लासीफाई करता है परमानेंट और करंट में, तो ऑडिट नोटबुक है वो बेसिकली आपकी करंट फाइल बनती है। इट इज़ एनी केस अ पार्ट ऑफ द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिटर अवेलेबल फॉर द रेफरेंस लेटर ऑन। और बाद में ये क्या है आपकी परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिटर बन जाती है दूसरे रेफरेंस लेने के लिए। किसी भी ऑडिट को करने के लिए अगर रेफरेंस लेना है तो ऑडिट नोटबुक से हम ले सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो। ऑडिट नोटबुक ऑल्सो प्रोवाइड ए वैल्यूएबल हेल्प टू द ऑडिटर। जो ऑडिट नोटबुक है आपको एक वैल्यूएबल हेल्प प्रोवाइड करती है ऑडिटर को, लिंक जो आपका पिछला वर्क था उसके लिंक्स को ट्रेस करने में। व्हेन द कंसर्न असिस्टेंट इज़ अवे और द वर्क इज़ स्टॉप टेम्परेरी। जब आपका कंसर्न असिस्टेंट है काम पे नहीं होता, जो आपका आर्टिकल असिस्टेंट है या जो वर्क है आपने टेम्परेरी स्टॉप कर दिया और आपको ये पता करना है कि वर्क कहाँ तक हुआ था लास्ट वाला, तो उसमें ऑडिट नोटबुक हमारी हेल्प करती है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिकॉर्डिंग द वेरियस क्वेरीज रेज इन द कोर्स ऑफ वर्क। ये इसलिए भी हेल्प करती है कि हमने जो भी क्वेरीज रेज की थी काम के टाइम पे तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्पोज क्वेरीज एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन एंड एविडेंस शीट विल बी रिकॉर्डेड इन द सेट बुक। डिस्पोज क्वेरीज के टाइम पे जो एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन की गई है क्वेरीज लेते हुए या एविडेंस आपके देखे गए हैं तो वो भी आपके ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट नोटबुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। वेल द क्वेरी रिमेनिंग अनडिस्पोज नोटेड फॉर द फॉलोअप। और जो आपकी क्वेरी अभी तक जो सोल्व नहीं हुई है उनको फॉलोअप करने के लिए हम ऑडिट नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे कि ये हमारी पेंडिंग है। कंटिन्यूस ऑडिट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कंटिन्यूस ऑडिट ए कंटिन्यूस ऑडिट इज़ वन इन विच ऑडिटर स्टाफ इज एंगेज कंटिन्यूसली इन चेकिंग द अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट। कंटिन्यूस ऑडिट बेसिकली क्या है, कंटिन्यूस ऑडिट वो है जिसमें ऑडिटर का स्टाफ एंगेज होता है क्लाइंट प्लेस पे जो कंटिन्यूसली चेक करता है बुक्स ऑफ अकाउंट क्लाइंट्स के ड्यूरिंग द होल ईयर पूरे साल के दौरान। एंड व्हेन फॉर द पर्पज द स्टाफ अटेंड एट द क्वाइट फ्रीक्वेंट इंटरवल से द वीकली बेसिस। और जो स्टाफ अटेंड करता है वीकली बेसिस पे क्लाइंट के ऑफिस में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड, मतलब वीकली बेसिस पे वो हर रोज़ आते हैं क्लाइंट के ऑफिस में अपने फाइनेंशियल्स की और अकाउंट्स की चेकिंग करने के लिए। ये कंटिन्यूस ऑडिट इज़ अ प्रेफर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन। किन रीजंस के द्वारा कंटिन्यूस ऑडिट की जाती है, इट मेक इट पॉसिबल फॉर द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज अ स्ट्रिक्टर कंट्रोल ओवर द अकाउंट्स एज मच एज वन इज एबल टू चेक सूनर। तो बेसिकली ये पॉसिबल है मैनेजमेंट के लिए एक एक्सरसाइज करना स्ट्रिक्ट कंट्रोल अकाउंट्स के ऊपर। बेसिकली मेंटेन करता है स्ट्रिक्ट कंट्रोल अकाउंट्स के ऊपर और ये भी इंश्योर करता है कि जो अकाउंट्स हैं वो चेक किए जाए एज सुन एज पॉसिबल। कोई भी एरर या फ्रॉड आ रहा है उनके बीच में तो उसको अनकवर किया जाए। फ्रीक्वेंट अटेंडेंस बाय द स्टाफ, अगर जो स्टाफ है वो बार बार आ रहा है तो जो आपके फ्रॉड्स हैं वो भी कम होते हैं। अकाउंटिंग स्टाफ
ऑफ द क्लाइंट मोटिवेटेड टू कीप अ बुक ऑफ द रिकॉर्ड अप टू डेट। अगर स्टाफ उस चीज़ को बार बार चेक करने के लिए आ रहे हैं तो आपका जो अकाउंटिंग स्टाफ है कंपनी का वो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अप टू डेट रखता है। कॉन्स्टेंट एसोसिएशन मॉनिटर विद द अकाउंट्स एंड द अफेयर ऑफ द क्लाइंट प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी टू मोर डिटेल नॉलेज। बेसिकली अगर आप ऑडिटर के स्टाफ से कंटिन्यूसली इंटरेक्शन कर रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है काफ़ी डिटेल नॉलेज की, जो क्लाइंट के अफेयर्स हैं या इफेक्ट हैं जो आपकी फाइनेंशियल ड्यूटीज़ पर हो सकते हैं उनके रिगार्डिंग। ड्रॉबैक क्या क्या हो सकते हैं कंटिन्यूस ऑडिट के। ड्यू टू द ऑडिट बीइंग कैरीड आउट इन द सेवरल इंस्टॉलमेंट, जो ऑडिट है आपकी आपने 10 दिन तक अभी ऑडिट कर ली, बीच में 7 दिन का ब्रेक लिया, फिर से 10 दिन की, तो जो सेवर इंस्टॉलमेंट्स में जो आपकी ऑडिट होती है ना, तो ऑडिट स्टाफ है वो कुछ चीज़ों को ट्रैक कर नहीं पाता उस टाइम पे और वो चेक नहीं हो पाती। उनको ये ट्रैक नहीं रहता कि लास्ट टाइम हमने क्या चेक किया था, प्लस लास्ट टाइम हम कहाँ छोड़ के गए थे और अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इस चीज़ को थोड़ा ट्रैक करने में मुश्किल होती है। सेफ गार्ड अगेंस्ट द पोजिशन कैन बी इन द ईच विजिट एलेबोरेट द नोट्स। इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, चेक लिस्ट या नोट्स बना लेने चाहिए कि लास्ट टाइम तक हमने यहाँ तक किया था और इस टाइम हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। द बुक ऑफ द अकाउंट आफ्टर हैव बीन चेक्ड मे बी टेम्पर्ड बाय द क्लाइंट स्टाफ। एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट हम चेक कर लेते हैं तो बाद में वो टेम्पर्ड कर दिए जाते हैं क्लाइंट स्टाफ के द्वारा, अकाउंटेंट को दोबारा से गलत कर देगा। मोर सीरियस मैटर रिक्वायरिंग द अप्रोप्रिएट सेफ गार्ड। तो इस केस में हमें काफ़ी सहमति लेने की ज़रूरत है। द ऑडिटर मे बी अन इकोनॉमिक इफ द साइज ऑफ कंसर्न इज स्मॉल। अगर आपकी कंपनी काफ़ी छोटी है तो कंटिन्यूसली ऑडिटर रखना काफ़ी महंगा हो सकता है उनके लिए वो, और जो एफर्ट्स हैं वो भी उसमें काफ़ी वेस्ट होते हैं क्योंकि ऑडिट को प्रिपेयर करने में, क्योंकि उनके पास इतनी एंट्रीज ही नहीं होती कि वो ऑडिट कराते रहें बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर ऑफ एंगेजमेंट। लेटर ऑफ एंगेजमेंट का पर्पस बताओ। द लीगल रिक्वायरमेंट टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड सो फार एक्सटेंड ओनली टू द कंपनीज। बेसिकली लीगल रिक्वायरमेंट है ऑडिट कराने की वो कंपनीज, कॉरपोरेट सोसाइटीज़, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ सब पे एप्लीकेबल है। इन दीज केसेज द रिस्पेक्टिव लॉ गवर्न द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड देयर ड्यूटीज। इन केसेज में जो लॉ क्या बोलता है कि हमें अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर करना पड़ेगा और उनकी ड्यूटीज़ उन्हें बतानी पड़ेगी। इन ऑल अदर केसेज इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और बाकी सारे केसेज में मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। द क्लाइंट टेल्स द ऑडिटर द नेचर ऑफ द सर्विस ही रिक्वायर्स एंड द ऑडिटर इफ ही इज एग्री टू अंडरटेक द असाइनमेंट स्पेसिफाइज टर्म। सो क्लाइंट ऑडिटर को बताता है नेचर ऑफ सर्विस, उसे किस तरह की सर्विस चाहिए और वो एग्री होता है ऑडिटर के साथ असाइनमेंट पे कि वो उसका असाइनमेंट करेगा और अपनी टर्म्स को बताएगा। ही मस्ट साइन एन एग्रीमेंट एंड द एक्सेप्ट द वर्क इन टर्म्स सब्जेक्ट टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। जो ऑडिटर है वो एक साइन करता है एग्रीमेंट और उसके साथ एक्सेप्ट करता है टर्म्स, जो भी ऑडिट के टर्म्स होंगे एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। क्लाइंट हु आर नॉट स्टैचुरेटरी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड मे रिक्वायर द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स फॉर द टैक्स रिटर्न। जिनकी बेसिकली ऑडिट कंपलसरी नहीं है वो लोग अपने अकाउंट्स बना सकते हैं प्रिपरेशन टैक्स रिटर्न्स के लिए। चेकिंग ऑफ द सेल टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न को चेक कर सकते हैं बिसाइड्स ऑडिट के अलावा। इन सच केसेज देयर मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्जैक्ट स्कोप ऑफ द वर्क। इन केसेस में क्या होता है कि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि आपका स्कोप ऑफ द वर्क क्या था। द ऑडिटर मे थिंक डेट ही इज़ मेरली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट वाइल द क्लाइंट मे थिंक द ऑडिट ऑफ द अकाउंट। तो इस केसेस में जो ऑडिटर है वो ये सोचता है कि वो ऑडिट कर रहा है लेकिन क्लाइंट सोचता है कि वो अकाउंट बना रहा है, या उसका उल्टा भी हो सकता है। सो इट इज़ देयर फॉर द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस बोथ फॉर द अकाउंटेंट एंड द क्लाइंट क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ एंगेजमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों अपने नेचर ऑफ द वर्क या नेचर ऑफ एंगेजमेंट पे क्लियर हो। इट मस्ट रिड्यूस इन राइटिंग एंड शुड बी क्लियरली स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ वर्क। तो ये बेसिकली एक लिखित में होना चाहिए और क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि स्कोप ऑफ वर्क मेरा है क्या। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय द ऑडिटर टू हिज क्लाइंट विच द डॉक्यूमेंट द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है वो बेसिकली भेजा जाता है ऑडिटर के द्वारा किसको, क्लाइंट को, जो डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ द ऑडिट देखता है क्या है, जो एक्सटेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट की उसमें लिखी होती है। और आईसीआई ने इशू किया स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 210 जो एग्री करता है कि क्लाइंट को ये सारी टर्म्स फॉलो करनी पड़ेंगी एक ऑडिट एंगेजमेंट से पहले।
तो इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द ऑडिटर एंड द क्लाइंट टू इशू एन एंगेजमेंट लेटर दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग इज रिड्यूस। तो ये बेसिकली इन दोनों के इंटरेस्ट में है कि वो लोग एक एंगेजमेंट लेटर साइन कर ले जिसके कारण जो पॉसिबिलिटी ऑफ द मिस अंडरस्टैंडिंग है वो कम हो जाएंगे उनके बीच में। और सेक्शन 230 लेट डाउन द स्टैंडर्ड ऑन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जो सेक्शन 230 है 220 है बेसिकली आपको बताता है जो आपकी स्टैंडर्ड है किस पे एग्री होने पे, जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है आपकी क्लाइंट के साथ एंड द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट बाय द क्लाइंट टू चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। और जितनी भी आपकी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसने रिक्वेस्ट की है कि क्लाइंट से कि इन एंगेजमेंट की टर्म्स को चेंज कर लो, वो भी उसे करनी पड़ेगी एक लोअर लेवल द एश्योरेंस देने के लिए।